कि हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। हमारी सरकार के अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान मार्च 17 से सितंबर 23 तक की अवधि में 190 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। सीएम ने शहीदों के घर वालों को संबोधित करते हुए ये दिलासा दिलाया कि वो सब परिवार के सदस्य हैं। शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इसके साथ ही कहा कि यूपी सरकार उनके लिए हमेशा खड़ी है। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि न सिर्फ पुलिस बल बल्कि और सभी बलों में शहीद हुए जवानों के लिए सरकार ने अभी तक 48.96 करोड़ की आर्थिक मदद की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने मिशन शक्ति अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में महिला अपराध के खिलाफ सही ढंग से कार्रवाई की जा रही है। सरकार हर गांव हर शहर में महिलाओं को जागरूक कर रही है। कोई भी महिला प्रदेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इससे खासतौर पर बालिकाओं की सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। इसके साथ ही यूपी में नशे के कारोबार को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूपी में अभी तक 6 नारकोटिक्स थाने की स्थापना की गई है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रही है। हमारी सरकार के अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान मार्च 17 से सितंबर 23 तक की अवधि में 190 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, 5,591 घायल हुए। इस कार्रवाई में पुलिस बल के 16 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की। 1,478 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 69,332 तथा एनएसए में 887 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रदेश के चिन्हित माफियाओं के 44 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 20 माफिया पाउन के 38 स्वयंपराधी कुल 58 को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा कराई गई। इनमें 2 को फांसी भी हुई। अपराधी या तो पुलिस की कार्रवाई में मारे गए या फिर सलाखों के पीछे हैं। अपराधियों को सजा दिलाने में यूपी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। सरकार ने लाउडस्पीकर के खिलाफ भी कार्रवाई की है। अब तक यूपी में धार्मिक स्थलों से करीब 1,00,000 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं।